बताओ कि एबीसी जो है वो ट्रू है, डीईएफ क्या है, फॉल्स है। ये सवाल है आपका, गिवन ऑफ गिवन वो कांसेप्ट की लो, कि गिवन डेटा है वो कांसेप्ट आपने रिमाइंडर रख के इसको अप्लाई करते हैं। करते हैं डी और एफ, डी के फॉल्स फॉल्स ये ये फॉल्स है, एक की ट्रू द ट्रू और ये वैलिड है, तो इसमें क्या होगा, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, एक की ट्रू होगा तो ट्रू है, ट्रू है ये, क्योंकि वहां फॉल्स का बात है, दोनों फॉल्स है, मतलब ऐसा क्यों नहीं, क्या बी ट्रू है, बी ट्रू है तो वैसे ट्रू है, ए फॉल्स है, बी ट्रू है, ए फॉल्स बन गया, ये सो ये फॉल्स निगेशन वैसे ना, ए फॉल्स हो गया, पहले वो भी नहीं था, तो अब ये ट्रू या फॉल्स, इसका वैलिड वैल्यू ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो सकता है जब दोनों फॉल्स हो, अदरवाइज सब कंडीशन में ट्रू ही होता है। ये ग्रुप हो गया, ठीक है, क्लियर है। ये आपका बैच है, ये भी इसको कहते हैं कनेक्टर, कनेक्टर है दोनों सिचुएशंस को, दोनों प्रैक्टिस है, तो ये ऐसा रहेगा। अच्छा ये हमारा यहाँ पर, अब इसमें आते हैं सी क्या है, सी टू है, सी टू है ना, क्योंकि निगेशन में क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और ये क्या है, फॉल्स है, बी टू डॉट फॉल्स, फॉल्स ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा, और एफ और एफ क्या हो गया, तो फॉल्स फाइन दैट विल बी फॉल्स, फॉल्स हो गया नहीं, हां नॉट रियली, दैट फॉल्स का ट्रू हो गया, दोनों ट्रू है, निगेशन से सी के साथ है, हां निगेशन से सी के साथ है, सो उसकी भी निगेशन अगर करने जो ए ट्रू हो जाएगा, जब हम बायो निगेशन, ये क्या और डिटेल में समझ नहीं आ रहा, ठीक है सर, बस सर ब्राउन से सही है, सही है, अगर दैट का इशू हो जाए तो हमारे को यहां तक ही हो गया, अब ये निगेशन टी है तो ट्रू का देख कर देगा फॉल्स हो जाएगा, ये इसकी निगेशन अप्लाई की है आपने, हां किसकी, ये केस नहीं बार बार है, बार बार है, अब वो ट्रू बात है, ये ट्रू बात है, ये अब इस निगेशन में है ना, अब ये है अब, हां ये सब सारी कहते हैं आप, इसके बाद इसके अंदर कोई समस्या नहीं, सो जैसे आप क्यों बाद निगेशन डाल रहे हो, बात क्यों ये सारे निगेशन की कर, ये सही है, लेकिन फिर लॉस है निगेशन, ये निगेशन सही, ठीक हो गया, ये ट्रू तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, नोट नोट ऐसे ना, ये ट्रू है, ट्रू ऐसे ना, तो ये वैचर है आगे, ये निगेशन है, आगे आगे एफ नोट टी एफ फॉल्स, नो एफ डॉट टी, एफ डॉट टी फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ये फॉल्स ये, और वैच ने टी टी एफ वैच टी, एक भी ट्रू है, ट्रू है, एक लेकिन वो ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट जो शो करी वो ये करी कि इस फॉल्स का हो गया ना, ये पूरा मैथमेटिक्स ये अलग है, ये कोई सा नहीं, आप किसको पहले सॉल्व करो, उसको पहले नहीं पास कर सकते, अरे ये आप क्यों लगा दिए, अब आप जो कर रहे हैं फॉर्म में पहले से एक सवाल कर रहे हैं, क्यों एक बार सारी से डाल ना, बेंच पे ना ये शो कर रहा है आपको ओवर का, जिसमें ये होता है कि दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स है, नहीं नहीं ये जो एक साथ आ रही है, दोनों एक साथ आए, दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, करेक्ट किया हुआ है, हां ये करेक्ट है, आपको ये फाइंड आउट करना है, करेक्ट कौन से, ये ना हो कि आप मतलब ये आपको पूरा एक और ये तो पूरा ये है, अगर भी की जगह डाटा वाइज में फर्दर आप करेंगे, ये तो पहले करने आपने, ये तो बात आपको पहले करने है, फिर आपने इसको एलिगेशन करने है, फिर उसके बाद बोलना है, सबको तरतीब भी पता हो, ये ना हो फिर आप एलिगेशन अप्लाई करो, ये ब्रह्मा से लाइक और क्लास एक और कर, अच्छा ये नहीं ना बहुत अजम्पशन भी तो इसमें लेते हैं, जो डॉट वाला वो तीन में हम ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, अब देखिए एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है, तीसरी और इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटीज के लिए हम टेबल बनाने के लिए आपके पास बता रहे हैं, ये n की पावर कहां से आएगी, n की पावर ये 2 की पावर है, और n जो है इसकी वैल्यू यहां से है, किसने किसने जीरो से b दिया और अकेला 2 की पावर 1 हो जाएगी, तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, इसके अलावा ये कि पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और अगर दो ही पी पी और ट्रू भी दिया हो, पी क्यू मीन ये अच्छा पी क्यू मतलब पी क्यू का मतलब आपके प्रिंसिपल, पिछले चैप्टर में हमारे थे कैटेगरी का कुछ, जिसमें मतलब एक ही प्रपोजिशन था, हम वो चेक,
बट इसमें क्या है, इसमें दो प्रोपोजिशन मिले हुए, मतलब कैसे कफील इज अ ग्रुप हुआ है एंड कफील गोस टू, दो सेंटेंस को मिला दिए ऐड के थ्रू, ऐड का फंक्शन है, इसे कह रहे हैं कि ये है प्रोपोजिशन और ये है, तो कंपोनेंट को मिलाया गया मिक्सचर कंपाउंड आप आ गए इस को का क्वेश्चन ठीक नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस है यस हां ये वाला जो है ये वाला ये वाला ये बस ये ट्रू ये फॉल्स होगी बाकी सारे सारे ट्रू हो ठीक है मुझे पता है वही तो है ये सबकी फोर्स लेना है क्यों इसमें क्या है कि ये वाला जो है ना ये वाला इसमें फास्ट आता है सारे अच्छा इसका रिजल्ट क्या है इसका रिजल्ट ऐसा ही है ये हम भी बता ठीक है ये इसे क्या है क्या ये भी के इसको ये सब सबसे ज्यादा आता है ना अगर आपने फाइंड कर लो कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं एक और ये फार्मूला है इस क्वेश्चन में से आप लिखिए इसको हम क्या गो टू ना तो क्या आ सकता है तो चार के से आगे पहले चार के से आगे चार के से आगे चार के से मान लीजिए कि से भी किया यार टू ने स्टॉप और टू के बाद क्या बोल दिया इसको शुएब शुएब बी क्यू के साथ आप चार भी बना क्या p और q की चार वैल्यू बनाएंगे ट्रू ट्रू फॉर फॉर फिर यहां पे आप ट्रू फॉर ट्रू फॉर अब पिछले वाले में जीरो नहीं आप आगे ये बाद में होगा बता दिया जरूरी है एक दफा अच्छा ये इसकी आपने पॉसिबिलिटी चेक करनी है इसकी वैल्यू कौन सकती है और पता है ये टू से चलो फॉर टू इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं ये खुद ही मान लेंगे हम देखेंगे दो आगे आज बस पूरी कर दें ये दो पॉसिबिलिटी रहेंगी तो एक और दो ये दो क्लियर हो गया यहां पे मतलब ठीक है ट्रू ये भी जो वैल्यू ऑप्शन दिया होगा हां वैल्यू ऑप्शन दिया होगा वाली वाली आप मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि अगर p के मतलब less for 1 आ गया हां वैल्यू ऑप्शन टू जी तो वहां पे हम p को ट्रू और फॉल्स दो ही पॉसिबिलिटी या तो p आप ट्रू से या अगर या आप p फॉल्स सकते हैं दो ही पॉसिबिलिटी है इसके अलावा कोई चीज नहीं है अब तो फार्मूले से हम चेक कर सकते हैं तो पावर n n के लिए ज्यादा ये का और p a का तो दो की पावर 1 को दो वो ही पॉसिबिलिटी या कुछ सारे नो जो अगर तीन आ जाए हां अब वो देखते दो आ जाए तीन में नहीं आ रहा है वो कैसे ये पर क्या टू की पावर एन है अब हमारे पास में ई एक था अब हमारे पास बी भी है क्यू भी है क्यू भी है ठीक है तो बी कैसे हो मतलब कितना हो गया दो हो गया दो की पावर दो दो चार आ गया अब चार पॉसिबिलिटी है अब चार पॉसिबिलिटीज किस तरह दो की वो इस तरह है पहले आप दो टू डाल दें दो फॉल्स फिर दो फॉल्स चार हो गया अब चार से आठ आठ लेंगे
अब चार हो गए, चार अब उसे हाफ करना टू दो, क्योंकि आप एक के अंदर टू की तरफ तो दो टू दो पांच दो पांच दो पांच अब ये हो गया दो पांच एक टू एक पांच एक टू एक पांच दो चार छह ठीक है अब एक टू एक पांच एक टू एक पांच एक टू एक पांच एक टू एक पांच अब देखोगे तो सीधी पॉसिबिलिटीज होगी आठ दो तीन चार पांच छह सात छुट्टी होनी चाहिए नहीं मैं ऊपर आ जाता हूं